देखिए, एक पासपोर्ट एप्लीकेशन देवबंद थाने में आया था, जिसकी जांच हमारे सब इंस्पेक्टर SHO ने प्रारंभ की। जैसा आप जानते भी हैं कि विगत कुछ दिनों फर्जी एड्रेस पे पासपोर्ट बनाए जाने की भी बात थी, जिसकी हम लोगों के द्वारा सघनता से जांच की जा रही है। उसी के क्रम में हर एक एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, उसकी गहनता से जांच होती है, और उसी जांच के दौरान थाना प्रभारी और जो सब इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को पाया कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन भरा है, उसने फर्जी पते को फर्जी पते पर अपने पासपोर्ट बनाने के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं। उसके आधार पर उससे गंभीरता से पूछताछ की गई। वो व्यक्ति जुनेद, जो कि बेसिकली म्यांमार का रहने वाला है, यहाँ पे अपने आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, अपने जो है आवासीय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनाकर पासपोर्ट लेना चाह रहा था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, छानबीन की जा रही है किस आधार पे, किस तरीके से इसने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। साथ ही साथ हमारे सिस्टर जो विंग्स हैं, ATS और LIU, इन सभी को सूचना कर दी गई है और सारी छानबीन चल रही है, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जिन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी, उन लोगों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट का एप्लीकेशन इन्होंने किया था, उसकी वेरिफिकेशन हम लोगों के द्वारा, जो हमारे थाना के सब इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी, उनके द्वारा की जा रही थी, और उस दौरान ये चीज़ें बात प्रकाश में आई हैं। और आप जानते हैं कि इस प्रकार की किसी भी इंसिडेंट्स को हम अपने सिस्टर विंग्स को ज़रूर रेफ़र करते हैं। ATS भी आकर पूछताछ करेंगी, सारी जानकारियां करेंगी, LIU पूछताछ कर रही हैं, सो दैट कि जो भी तथ्य हों, जो इनसे और कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन हो, उसको कनेक्ट करके जो है इस नेटवर्क को हम लोग वर्कआउट कर सकें। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।